बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ CS 506 वेब डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट का कंप्लीट असाइनमेंट सॉल्यूशन स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, जो कि है सेमेस्टर स्प्रिंग 2024 का। और ये असाइनमेंट काफ़ी लेंथी है और इसकी वीडियो भी काफ़ी लेंथी हो सकती है, तो इसलिए भी मेरा आप लोगों से गुजारिश है कि इसको स्टेप बाय स्टेप वॉच करें ताकि आपको हर स्टेप समझ आ जाए और आप अपनी असाइनमेंट खुद करें। और आई होप इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद। सबसे पहले इस असाइनमेंट को करने के लिए आपको क्या चाहिए, ठीक है, मतलब कौन से टूल आपको इंस्टॉल करनी चाहिए। जैसे कि आप पे हैं नेटबीन आईडी और दूसरा इन्होंने मेंशन किया है इंटेलिजे आइडिया, तो इन दोनों में आप कोई भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे मैं आपको रिकमेंड करूँगा नेटबीन आईडी, क्योंकि ये आपको यूज़ करना, आपके लिए यूज़ करना बहुत इजी होगा। ओके, और नेक्स्ट यहाँ पे अब इनकी रिक्वायरमेंट क्या है। वैसे मेरे पास खुद भी ऑलरेडी इंस्टॉल है नेटबीन आईडी। अच्छा, अब इनकी रिक्वायरमेंट क्या है, मैं आपको इनकी रिक्वायरमेंट समझाता हूँ पहले, ठीक है, कि आपने क्या करना है। तो अगर आप आएंगे यहाँ पे सैम्पल आउटपुट में, तो सबसे पहले अगर आप इसको रन करते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास इस तरह एक GUI शो होनी चाहिए, ठीक है, जिसमें कि एक ये ऊपर आइकन नज़र आ रहा है, एक है सबसे पहले यहाँ पे वेलकम टू ABC, नीचे हमारे पास है नेम है और इसके अलावा टाइम का टेक्स्ट फील्ड है, और लेफ्ट साइड पर भी हमारे पास कुछ बटन है, ठीक है, जैसे कि डेटा को लोड करना, डिलीट करना और ऐड रनर। अच्छा, आप फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप करते हो लोड डेटा, तो आपके पास डेटाबेस से ये सारा डेटा डिस्प्ले होना चाहिए, ठीक है, वहाँ से ये डेटा आपने रिट्रीव करना है लोड डेटा को क्लिक करते हुए। और सेकंड हमारे पास, अच्छा अब इसके ऊपर हमारे पास क्या है, ऐड रनर। अगर आप ऐड रनर करते हो तो यहाँ पर आपने नेम और टाइम जो लिख गया है ये आपके पास डेटाबेस में स्टोर होना चाहिए। ओके, और नेक्स्ट हमारे पास डिलीट ऑल। अगर आप यहाँ पे करते हो डिलीट ऑल, तो आपके पास इस तरह का एक मैसेज शो होना चाहिए जिसमें आपने करना है। अगर आप इसको करते हो यस, तो आपका ये सारा डेटा डेटाबेस से डिलीट होना चाहिए, और अगर आप नो करते हो तो आपका डेटा डिलीट नहीं होगा। नेक्स्ट हमारे पास है व्यू विनर, तो व्यू विनर में आपके पास ये सारा डेटा डिस्प्ले होना चाहिए। कौन सा डेटा, आपके पास टॉप 3 विनर डिस्प्ले होने चाहिए, और फॉर एग्ज़ाम्पल जिसका टाइम सबसे कम होगा वो आपके पास टॉप में शो होना चाहिए, उसके बाद सेकंड और थर्ड। ओके, अब नेक्स्ट आपने और क्या करना है, और अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप एग्जिट करते हो, ठीक है, तो उस केस में आपके पास क्या शो होना चाहिए, आपके पास इस तरह का एक मिसेज शो होना चाहिए, ठीक है, जो कि हमारे पास से जे ऑप्शन पेन का कंफर्म मिसेज डायलॉग, ठीक है, तो इसमें आपके पास इस तरह का एक मिसेज शो होना चाहिए। ओके, और नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास और क्या है, अच्छा ये कह रहे हैं कि आपने एक बनाना है रनर क्लास, दूसरा आपने बनाना है DB हेल्पर, और लास्ट में आपका होगा एक मेन क्लास, ठीक है, मेन क्लास में आपका कंप्लीट GUI होगा, ठीक है, जो कि ऊपर जैसे कि हमारे पास है, ठीक है, इस तरह की GUI आपने अपने मेन क्लास में बनानी है। अच्छा, इसके अलावा आपने एक बनाना है डेटाबेस, ठीक है, जो कि हमारे पास है SQL Lite का डेटाबेस, तो एक आपने डेटाबेस बनाना है, और डेटाबेस आपका होना चाहिए आपकी रूट डायरेक्टरी में, जो कि आपके प्रोजेक्ट की रूट डायरेक्टरी है, जो प्रोजेक्ट आपने क्रिएट किया है, और उसके अंदर हमारे पास क्या होगा, एसेट का एक फोल्डर होगा, ठीक है, और एसेट के फोल्डर में आपका फिर ये डेटाबेस होगा। अच्छा, तो अब चलते हैं अपने नेटबीन की तरफ। अब इसमें आपने डेटाबेस किस तरह क्रिएट करना है, अच्छा मैं आपको ना पहले ये समझाता हूँ, ठीक है, आपको इसका ओवरव्यू देता हूँ कि ये प्रोजेक्ट किस तरह वर्क कर रहा है। इसमें हमारे पास है एक मेन क्लास, अगर मैं यहाँ पे आता हूँ रन पाइल, और सबसे पहले हमारे पास क्या है, लोड डेटा। अगर मैं लोड डेटा पे क्लिक करता हूँ और मेरे पास डेटाबेस में जितना भी डेटा होगा
वो हमारे पास यहाँ पे डिस्प्ले होगा। ओके, अब नेक्स्ट अगर मैं करता हूँ डिलीट ऑल, तो मैं नो करता हूँ, डाटा डिलीट नहीं होगा। अब यहाँ पर हमारे पास है व्यू विनर, अगर मैं व्यू विनर करता हूँ तो हमारे पास जिसका सबसे कम टाइम होगा, ठीक है, तो कम टाइम वाला सबसे पहले डिस्प्ले होगा, फिर उसके बाद सेकंड और फिर थर्ड। ओके, और ये इस तरह ये टेबल में भी ये अपडेट होना चाहिए। अब अगर मैं दोबारा करता हूँ लोड डाटा, ठीक है, तो हमारे पास ये सारे सारा का सारा डाटा वापस आ गया। अब अगर मैं यहाँ पे करता हूँ एक न्यू यूज़र, मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ, ठीक है, एक न्यू रनर ऐड करता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल अली, और इसका टाइम है 10 सेकंड, और इसको मैं करता हूँ ऐड रनर। ओके, तो ये भी डेटाबेस में ऐड हो गया। अब अगर मैं दोबारा करता हूँ व्यू रनर, तो हमारे पास अभी सबसे टॉप पे आ रहा है अली, ठीक है, क्योंकि इसका टाइम सबसे कम है। अब अगर मैं इसको करता हूँ डिलीट ऑल, तो डेटाबेस से मेरा ये सारा डाटा डिलीट होना चाहिए, ठीक है। अब अगर मैं दोबारा करता हूँ लोड डाटा, तो हमारे पास कोई भी डाटा नहीं है। ठीक है, अभी हमने एक नया डाटा ऐड किया तो ये भी आ गया। अच्छा, तो ये रहा हमारा ये पूरी प्रोजेक्ट का ओवरव्यू। अच्छा, अब इसके अलावा हमने यहाँ पे ना ये जो आ रहा है ऑल रनर, तो ये भी डायनामिक है। अगर मैं इसको करता हूँ व्यू रनर, तो हमारे पास ये यहाँ पे अपडेट हो गया। अब दोबारा मैं करता हूँ लोड डाटा, तो ये हमारे पास ऑल रनर हो गया। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं आपको समझाने वाला हूँ, टेंशन ना लो। आपने यहाँ पे क्लिक करना है फाइल, ठीक है, ये नेटवी में ये सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। उसके बाद आपने करना है न्यू प्रोजेक्ट, उसके बाद आपने यहाँ पे करना है जावा विद आंट, ठीक है, ये वाला ऑप्शन आपने सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपने यहाँ पे करना है जावा एप्लीकेशन, उसके बाद आपने करना है नेक्स्ट, नेक्स्ट के बाद आपने यहाँ पे अपना प्रोजेक्ट नेम लिखना है, इसको आप अपनी आईडी रखो, ठीक है, बीसी, और जो भी आपकी आईडी है 1 2। अच्छा, इसके अलावा ये हमारे पास है CS 506 का असाइनमेंट नंबर 2 का कंप्लीट सॉल्यूशन। उसके बाद आपने करना है फिनिश। ओके, फिनिश के बाद आपने लेफ्ट साइड में देखना है, तो यहाँ लेफ्ट साइड में हमारा ये प्रोजेक्ट, आपको ये जो भी प्रोजेक्ट आपने क्रिएट किया यहाँ पे आपको डिस्प्ले हो जाएगा। अच्छा, अब इसमें आपने क्या करना है, इसमें आपने 3 क्लास क्रिएट करने हैं। सबसे पहले आपने क्रिएट करना है रनर, कंट्रोल सी, ओके, और कंट्रोल सी के बाद न्यू जावा क्लास, और आपने क्रिएट करना है रनर क्लास। ओके, और बेशक आप इससे ये कमेंट वगैरह डिलीट करो। एक हमारे पास है डीबी हेल्पर, तो इसमें से आपने डिफॉल्ट न्यू जावा क्लास, और इधर आपने डीबी हेल्पर क्लास क्रिएट करना है, और थर्ड आपने क्रिएट करना है मेन क्लास, ठीक है, जिसमें हमारी जीयूआई होगी, कंप्लीट इंटरफेस होगा, कंट्रोल सी, और इसको अभी आपने सिंपल जावा क्लास क्रिएट नहीं करना, इसको आपने क्रिएट करना है न्यू, और इसको आपने करना है जे फ्रेम पाम। ओके, और कंट्रोल वी, उसके बाद आपने करना है फिनिश। ठीक है, तो ये इस तरह हमारे पास एक जीयूआई बनी हुई। इसको कैसे कंप्लीट करना है ये मैं आपको समझाता हूँ, और बेशक आप इसमें से ये सारे कमेंट डिलीट करो ताकि आपके पास कोड क्लियर हो। अच्छा, अब इसके अंदर सबसे पहले हमने वो सारा जीयूआई बनाना है। इसके अंदर ये जो हमारे पास है जेप रैम, इसके अंदर हमने सबसे पहले बनाना है पैनल, और इसको आप करें प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी के बाद कोड, और इसको आप करें जनरेट सेंडर, ठीक है, ताकि आपके पास बाय डिफॉल्ट ये लेफ्ट या राइट साइड ना आए, आपके पास सेंटर में ओपन हो जाए। इसमें हमने ऐड करना है पैनल, ठीक है, पैनल, और इसके बाद आपने इसको इस
पूरी J प्राइम के अंदर सिट करना है। ओके, अब नेक्स्ट हमारे पास है, हमने अभी इस तरह का एक सिंपल पैनल और ये सारी चीज़ें हमने इसमें ऐड करनी है। तो सबसे पहले हम लेफ्ट साइड में एक पैनल लेंगे, आपने इसको इस तरह पूरा ड्रैग करना है। अच्छा, अब इसके अंदर हमने लेना है एक और पैनल। ओके, और इसको आपने देना है एक बॉर्डर। अगर आप यहाँ पे राइट क्लिक के बाद नीचे होगा प्रॉपर्टी का ऑप्शन, ठीक है, ठीक है, नीचे एक प्रॉपर्टी का ऑप्शन होगा और उसके बाद यहाँ पे जो है नो बॉर्डर को आपने करना है लाइन बॉर्डर। अच्छा, अब इसके अलावा हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे लेना है एक और पैनल, या बेशक आप इसको कंट्रोल सी कंट्रोल वी। बेशक आप यहाँ पे एक न्यू पैनल ले लो। और इसको भी आपने देना है बॉर्डर, ठीक है, नीचे एक ऑप्शन होगा प्रॉपर्टी और आपने उस प्रॉपर्टी पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे जो है नो बॉर्डर, इसको आपने करना है लाइन बॉर्डर। अच्छा, आप यहाँ पे राइट साइड पे हमने एक पूरा पैनल लेना है पैनल, और इसको भी आपने यहाँ पे पेस्ट करना है और बेशक आप इसको भी बॉर्डर दे दो। मेरे ख्याल में यहाँ पे कोई बॉर्डर नहीं है, तो बेशक आप इसका बॉर्डर रिमूव करो। अच्छा, नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले है एक पैनल और पैनल के अंदर हमारे पास है लेबल। तो यहाँ पे आपने लेना है पैनल, इसको भी आपने देना है बॉर्डर। नेक्स्ट हमने यहाँ पे एक और पैनल लेना है, ठीक है, तो इस तरह आपने ये सारे पैनल बनाने हैं, 1 2 3, ठीक है। और लास्ट में हमने एक पैनल लेने हैं अपने टेबल के लिए।
सबसे पहले यहाँ पे जो हमारे पास टॉप पैनल है, तो इसके लिए हम लेंगे X11 और एडिट टेक्स्ट। यहाँ पे आपने क्लिक करना है फॉन्ट, और फॉन्ट को आपने करना है बोल्ड 24। ओके क्लोज, और इसको आपने थोड़ा सा इसका साइज बढ़ाना है। नेक्स्ट आपका है नीचे वाले पैनल में हमारे पास दो टेक्स्ट फील्ड और दो लेबल है, एक है नेम एक है टाइम। ठीक है, तो इसको किस तरह करेंगे, अभी यहाँ पे आपने लेने हैं एक और लेबल, और एक आपने लेने हैं टेक्स्ट फील्ड, और टेक्स्ट फील्ड को आपने करना है एम्प्टी, और यहाँ पे हमारे पास है लेबल नेम, और थोड़ा सा आप इसका साइज भी बढ़ा दो। अब इसको हमने करना है कंट्रोल सी कंट्रोल वी, और इसमें हमने लिखना है ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है टाइम। अच्छा, अब यहाँ पे आपने इसको प्रॉपर नेमिंग देनी है, तो सबसे पहले हमारे पास है नेम लेबल, और सेकंड हमारे पास है टाइम लेबल, और यहाँ पे आपने इसको करना है नेम txt, और सेकंड वाला हमारे पास है टाइम txt। अच्छा, अब नेक्स्ट इसके अंदर हमने एक डायनामिक लेबल बनाना है। ठीक है, एक लेबल बनाना है जिसमें ये डेटा हमारे पास क्या होगा, डायनामिक, तो उसका भी मैं फिर आपको बाद में समझाता हूँ, पहले यहाँ पे एक लेबल ऐड करते हैं। इसको करते हैं डेटा लेबल चेंज वेरिएबल नेम। अच्छा, अब इसमें हमारे पास क्या है, बाय डिफॉल्ट इसमें कुछ भी नहीं होगा। ओके, लेकिन हम इसका साइज थोड़ा इसको थोड़ा बोल्ड और साइज बढ़ाते हैं, तो ये हमारे पास होगा बोल्ड 18 साइज का। और इसके अलावा हमारे पास ऊपर हमारे पास यहाँ पे हमने एक लोगो ऐड करना है, तो लोगो ऐड करने के लिए यहाँ पे आपने लेने हैं लेबल, और इसको आपने इस तरह पूरा कवर करना है। इसको आपने एडिट टेक्स, और इसका ये डेटा आपने डिलीट करना है। अच्छा, अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, आपका ये जो प्रोजेक्ट है, ठीक है, प्रॉपर्टी के बाद इस पूरी बात को करना है कंट्रोल सी कॉपी, और जो भी आपका ये प्रोजेक्ट का रूट स्ट्रक्चर है, ठीक है, तो उधर आपने आना है, और उसके बाद यहाँ पे SRC के अंदर इधर आपने एक न्यू फोल्डर क्रिएट करना है इमेज नेम से, या आइकन कोई भी नेम आप दे सकते हो, और इसके अंदर अभी आपने अपना वो लोगो रखना है। ठीक है, ये वाला लोगो, तो इसको किस तरह वहाँ पे लेके जाना है, ठीक है, स्नैप टूल, और इसको आपने इस तरह इसका स्क्रीनशॉट लेना है, सेव, और इसका कोई भी प्रॉपर नेम आप दे दो लोगों।
सी, और इमेज के अंदर आपने रखना है कंट्रोल वी। ओके, अभी आपने ओपन करना है नेटबीन और इधर आपने करना है प्रॉपर्टी। उसके बाद यहाँ पे आइकन का ऑप्शन होगा, ये रहा आइकन, और आइकन के बाद यहाँ पे अभी आपने अपना इमेज वाला फोल्डर सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे होगा इमेज, इमेज के बाद यहाँ पे आपने क्या करना है सेलेक्ट, और सेलेक्ट के बाद आपके उस फोल्डर में जितनी भी इमेजेस होंगी आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगी, तो उसमें से आपने ये सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपने करना है ओके। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा वो लोगो भी आ गया। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे हमने वो तीन बटन क्रिएट करने हैं। कौन से बटन? एक हमारे पास है लोड डेटा डिलीट और व्यू विनर्स। तो इसके ऊपर हम लेंगे एक लेबल और इसमें हमने लिखना है मेन मेन्यू। नेक्स्ट यहाँ पे हमने तीन बटन और ऐड करने हैं। एक हमारे पास है लोड, दूसरा हमारे पास है डिलीट। और थर्ड हमारे पास है व्यू विनर। विनर है या एक मिनट, हाँ विनर। और आपने इसको भी प्रॉपर नेमिंग देनी है, चेंज वेरिएबल और डिलीट btn। और एक हमारे पास है व्यू विनर btn। ओके, अब नेक्स्ट यहाँ पे हमने एक टेबल क्रिएट करना है। टेबल आपने किस तरह क्रिएट करना है, आपने आना है यहाँ पे पैलेट, और यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है जेड टेबल। ठीक है, किधर होगा, हाँ ऊपर है मेरे ख्याल में, ये रहा लास्ट में। तो इधर आपने सेलेक्ट करना है टेबल, टेबल इसको आपने यहाँ पे ड्रैग करना है और पेस्ट। ओके, आपका ये टेबल यहाँ पे आ जाएगा। अब इसको आपने यहाँ पे ये जो नीचे आपने पैनल क्रिएट किया है उस पैनल के अंदर आपने इसको पूरा कवर करना है। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना, ये यहाँ पे हमारे पास क्या है, हमारे पास इधर तीन कॉलम है रिक्वायरमेंट में, एक है नंबर, नेम और टाइम। तो इसको आपने किस तरह चेंज करना है, अपने टेबल पे राइट क्लिक, उसके बाद यहाँ पे नीचे ऑप्शन होगा प्रॉपर्टीज, उसके बाद आपने यहाँ पे क्या करना है, सॉरी राइट क्लिक, सबसे ऊपर हमारे पास है टेबल कंटेंट और इधर हमारे पास है कॉलम, फोर्थ कॉलम को आपने डिलीट करना है सबसे पहले। ओके, और इधर हमारा क्या होगा नंबर, सेकंड हमारे पास है नेम, और थर्ड हमारे पास है टाइम, एंटर। उसके बाद यहाँ पे आपने आना है रोज, तो रोज़ में यहाँ पे अगर आप देंगे ना हमारे पास है पोर, तो इस पोर को आपने करना है ज़ीरो।
उसके बाद करेंगे क्लोज, तो हमारा ये प्रॉपर टेबल बन जाएगा। अब अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये हमारा जीयूआई का काम हो गया कंप्लीट, ठीक है। बेशक आप इसको यहाँ पे रन भी कर सकते हो, लेकिन अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे ना डिलीट और डेटा व्यू विनर या कोई भी डेटा एंटर करेंगे तो आपके पास कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि इसमें अभी हमने वो सारा बैकएंड वगैरह का कोड भी ऐड करना है। अच्छा, इसमें हमने ना एक ऐड रनर वाली बटन हमने ऐड नहीं की, कंट्रोल सी। तो ये रनर वाली बटन भी क्रिएट हो गई है। अच्छा, अब नेक्स्ट अब आते हैं अपने रनर और डीबी हेल्पर की तरफ। तो इधर हमारे पास है रनर क्लास, तो अगर आप देखेंगे तो रनर क्लास में हमारे पास तीन एट्रीब्यूट इधर मेंशन है। एक हमारे पास है आईडी, नेम और टाइम, तो इसको करते हैं कंट्रोल सी। यहाँ पे आपने लेने हैं प्राइवेट, और सबसे पहले हमारे पास है इंटीजर आईडी, सेकंड पे हमारे पास है प्राइवेट, और ये हमारे पास होगा स्ट्रिंग नेम, और थर्ड नंबर पर हमारे पास है ये होगा प्राइवेट, ये हमारे पास होगा डबल, और क्या है हमारे पास टाइम। अच्छा, अभी आपने इसके कंस्ट्रक्टर और गेटर सेटर बनाने हैं बस। तो यहाँ पे आप या तो एंटर करें अल्ट इंसर्ट, एक साथ एंटर करना है, और सबसे पहले आपने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाना है। ओके, ये हो गया डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। दूसरा हमने बनाना है कंस्ट्रक्टर, और सेलेक्ट ऑल, ये तीनों पैरामीटर के हमने कंस्ट्रक्टर बनाने हैं। थर्ड हमारे पास है अल्ट इंसर्ट, ठीक है, या आप ऐसे भी कर सकते हो, राइट क्लिक और इंसर्ट कोड कंस्ट्रक्टर। एक हमने बनाना है नेम और टाइम के लिए, क्योंकि आईडी हमारे पास क्या होगा आउट ऑफ इंक्रीमेंट, तो इसकी नीड नहीं होगी जब डेटा हम इंसर्ट करेंगे। और लास्ट में आपने क्या करना है, इंसर्ट कोड और इसके गेटर और सेटर बनानी है, सेलेक्ट ऑल जनरेट। ओके, तो इस तरह हमारा ये जो रनर क्लास है ये हो गया कंप्लीट। अब इसका हमने और कोई काम नहीं करना, ठीक है। बाद में हमारा ये जो मेन क्लास और डीबी हेल्पर क्लास है, इन तीनों को हमने आपस में मिलाना है, ठीक है। इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है और वो सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ वो इंटरेक्शन वगैरह करना है। इसको मैं अभी फ़िलहाल करता हूँ क्लोज। अच्छा, अब इसके अलावा आपने क्या क्या और सेटिंग करनी है, ठीक है। तो इसके अलावा आपने एसक्यूएल लाइट लाइब्रेरी ऐड करनी है। अच्छा, अभी आपने आना है अपनी मर्जी का कोई भी ब्राउज़र आप ओपन करें। अच्छा, और इधर आपने आना है सर्च करना है, ठीक है, ब्राउज़र में एसक्यूएल लाइट जावा जार डाउनलोड। अगर इस तरह आप कुछ सर्च करेंगे ना तो आपके पास जो एसक्यूएल लाइट की जार फाइल है वो आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पर अगर आप नीचे देखेंगे ना तो यहाँ पे है डाउनलोड एसक्यूएल लाइट, अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह का ये इंटरफेस ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, यहाँ से या यहाँ पे ये जो दूसरा है, ठीक है। तो इधर हमारे पास है
कोड जार डाउनलोड एसक्यूएल लाइट, और नीचे यहाँ पे आपको ये लिंक मिल जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, इस पे क्लिक करना है तो आपका डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, अब इसको आपने यहाँ से कट करना है, कंट्रोल एक्स, और आपने प्रोजेक्ट का फोल्डर ओपन करना है। तो इधर हमारे पास जो प्रोजेक्ट फोल्डर है, अभी यहाँ पे आपने एक न्यू फोल्डर क्रिएट करना है। वैसे आप डायरेक्ट भी रख सकते हो, कोई मसला नहीं है, लेकिन आप अगर फोल्डर क्रिएट करेंगे तो आपके पास हर चीज़ ऑर्गेनाइज होगा। ठीक है, फोल्डर, और यहाँ पे आप लिख के जार या लाइब्रेरी वगैरह कोई भी नेम आप दे सकते हो। ड्राइवर कुछ भी लिख सकते हो। उसके बाद आपने इसको क्या करना है, एक्सट्रैक्ट हियर करना है। ओके, तो ये हो जाएगा आपका एक्सट्रैक्ट। उसके बाद आपने ओपन करना है नेटबीन। नेटबीन में यहाँ पे एक ऑप्शन है लाइब्रेरी, राइट क्लिक, एड जार, और यहाँ पे आपने क्या करना है, अपनी लाइब्रेरी को सेलेक्ट करने है। ठीक है, तो वो हमारे पास था प्रोजेक्ट, हमने कौन सा क्रिएट किया, SBC, हाँ ये वाला। तो इसको आपने ओपन करना है, डबल क्लिक। उसके बाद यहाँ पे हमारी लाइब्रेरी है लाइब्रेरी फोल्डर में, और इसको आपने यहाँ पे सेलेक्ट करना है, ओपन। तो यहाँ पे आपकी ये लाइब्रेरी ऐड हो जाएगी। ठीक है, और मेरे ख्याल में अब ये जो वीडियो है काफ़ी लेंथी हो रही है, तो फिर अपलोड होने में थोड़ा मसला होता है। ठीक है, आसानी से अपलोड नहीं हो सकती इस तरह की वीडियो फिर। हाँ, तो मैं ऐसा करता हूँ, मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में ये सारी चीज़ें फिर दोबारा समझाता हूँ। ठीक है, ये जितना भी काम रह गया ना, अब इतना नहीं रहा, मेरे ख्याल में 5-10 मिनट का काम रह गया, तो ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाता हूँ। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्या समझाऊंगा, जो हमारा है मेन क्लास और दूसरा हमारा है DB हेल्पर, तो इन दोनों को एक साथ किस तरह कनेक्ट करना है। ठीक है, तो ये सारा प्रोसेस मैं आपको समझाऊंगा। और DB हेल्पर में हमारा क्या होगा, DB हेल्पर में होगा हमारा लॉजिक, वैसे मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो इसमें हमारे पास ये सारा लॉजिक होगा। ठीक है, कि आपने टेबल किस तरह क्रिएट करना है, तो ये उसका कोड हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है, अगर आपने डेटा ऐड करना है डेटाबेस में, तो ये उसका कोड हो गया। और एक हमारे पास है, अगर आपने सारा डेटा डेटाबेस से डिस्प्ले करना है, तो ये उसका कोड हो गया। अगर आपने डेटा डिलीट करना है, फिर अगर आपके पास जो top 3 रनर है उसको कैसे डिस्प्ले करना है, तो इंशाल्लाह ये सारा लॉजिक मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाता हूँ, और इसको फिर मेन क्लास के साथ किस तरह कनेक्ट करना है। अच्छा, और उससे पहले ना आप एक काम और करो, आपका जो है प्रोजेक्ट की रूट डायरेक्टरी, ये तो इसमें से आपने एक और फोल्डर क्रिएट करना है एसेट, क्योंकि अगर आप नीचे देखेंगे ना, तो इन्होंने बोला है कि आपने एसेट फोल्डर क्रिएट करना है, कंट्रोल सी, और इस एसेट फोल्डर के अंदर आपका ये डेटाबेस होगा। और ये डेटाबेस अभी आपको क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो कोड मैं आपको समझा रहा हूँ, ये बाय डिफॉल्ट आपका डेटाबेस क्रिएट करेगा। ठीक है, तो इसका भी आप टेंशन ना लो। ओके, तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और इसको आप अच्छी तरह समझो, अगर आपको कोई मसला आ रहा है तो इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर समझाने की कोशिश करूँगा। अल्लाह हाफिज़।